Yo les voy a explicar igual. जी दादा कोको किंग ने कॉल पे जरा देखने जो दिया आपने कौन सा सर जी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 72,000 ही है, लेकिन असल में हमने ये खरीदना है। हमारी जो परचेज रिक्वायरमेंट है वो 75,000, जो परचेज करना पड़ेगा हमें ताकि 72,000 बच जाए वो 75,000। ये खरीदना था असल में, तो रिक्वायरमेंट तो वो ठीक है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट 96% है, तो 100% रिक्वायरमेंट क्या है, परचेज वो करना पड़ेगा। जी तो और कंफ्यूजन तो नहीं, कल से कैसी जा रही है पढ़ाई घर में सर, क्या पढ़ाई कल पढ़ते ही आप इतना सर पता ही नहीं चल रहा क्या क्या पढ़ा, वो सवाल हो रहे हैं मैंने कहा कौन से चले दो तीन क्वेश्चन और करेंगे। ये क्वेश्चन होने का हॉकी लिमिटेड पेज नंबर 271। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है ना प्लीज, एक दो क्वेश्चंस पहले कर लें जरा, ये जो कोको किंग टाइप जो क्वेश्चन हुआ था ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, तो नहीं कोई क्वेश्चन रहेगा कल से रिलेटेड। जी हॉकी लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 271, कर ले स्टार्ट जरा, क्वेश्चन जरा कंप्लीट करना है। ये बाहर वाला दरवाजा बंद कर दे। हॉकी लिमिटेड इज एंगेज, रिक्वायरमेंट जरा देख लेना नेक्स्ट पेज पे, एक पहली रिक्वायरमेंट बाकी फिर बाद में देख लेते हैं। ये क्यों जहन में रखे पड़े, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जहन में रखे पड़े। हॉकी लिमिटेड इज, हॉकी पाकिस्तान लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट H2 which requires the chemical AT. Presently HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kgs of AT. However, HPL's management is presently considering to adopt economic order quantity model for determining the size of purchase order of AT. क्या खरीद के क्या बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। H2 शायद फिनिश गुड्स का नाम है, उसमें केमिकल रिक्वायर्ड है AT। प्रेजेंटली 60,000 kgs का बल्क ऑर्डर दिया जाता है, एटी के 60,000 केजीस का बल्क ऑर्डर दिया जाता है। मैनेजमेंट चाह रही है कि कंसिडर किया जाए कि ईओक्यू के मुताबिक कितना ऑर्डर देना चाहिए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ये पेज नंबर 271। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2 is 45,600 units. Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kgs of AT. Cost is 200 rupees per kg of AT. 5% of the quantity purchased is lost during storage. Annual cost of procurement office, procurement department is, and purchase department, 26,88,000. Next person underline करें, 65% of the cost is, यहाँ एक decision making हो रही है, order size क्या रखें,
264 पेज पे जाना ना, कुकिंग वाले क्वेश्चन में कल पॉइंट नंबर 3 तेरे पास सेंटेंस आया था, पढ़िएगा तो क्या द वेरिएबल, वहां वेरिएबल ही गिवन थी। असल में अगर परचेज डिपार्टमेंट की कोई फिक्स कॉस्ट है वो हमारे ऑर्डर साइज के साथ चेंज नहीं होगी, उसने तो फिर एज इट इज ही रहना है, तो वहां बताई ही कौन सी थी, यहाँ है जरा। तो ये डिसीजन मेकिंग टाइप फीस हो रही है, इसमें तो आपने वही कॉस्ट देनी है जो आपके डिसीजन से रिलेटेड रेलिवेंट हो जाएगी। तो यहाँ उसने पहले टोटल बताई है शायद एनुअल कॉस्ट, और 65% पर उसने वेरिएबल बताया, सेग्रीगेशन हो जाएगी। 35% पे जो फिक्स कॉस्ट है वो हमसे रेलिवेंट नहीं रहेगी, जो एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट है। अगर कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हो वो डेफिनेटली फिर रेलिवेंट होती है, ठीक है। बहरहाल अगर हमें ना पता हो कि ये वेरिएबल है फिक्स है, फिर तो शायद हम यही अज्यूम करेंगे कि रेलिवेंट ही है, अनलेस हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब बाकी आगे चले, मैं फिर वर्किंग कर लेता हूँ। 80 स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ 6.25 रुपीज पर केजी, लेकिन पर कल भी आया था शायद, मल्टीप्लाई 12 कर लेंगे पर एनम। HPL's cost of financing is 8% per annum. Page number 260 भी रहा। Page number 270 पे जाएं, ऊपर holding cost की एक list बनी है, उसके सबसे पहली वाली line पढ़ें। Cost of capital tied up, या कैसे incur होती है या कैसे, या पैसे नहीं है तो लोन लेके स्टॉक खरीदेंगे तो इंटरेस्ट इंकर होके इंकर हो जाएगी, और या अपने पैसे अगर इस्तेमाल किए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइड अप, वापस आए तो ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग हमें पर यूनिट चाहिए होती है, पर यूनिट पर एनम। तो ये 8% जो है, ऊपर जाए पॉइंट नंबर 2 में 200 रुपया ढूंढना जरा, हमें 200 रुपए का केजी खरीद के रखना होगा। तो 200 क्या है कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय फिर 8% करके हमारे पास एक यूनिट की फाइनेंसिंग कॉस्ट आए करेगी। तो ये जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है किससे रेट मल्टीप्लाई होना, सेल प्राइस से नहीं, परचेज प्राइस से, कॉस्ट प्राइस परचेज प्राइस, परचेज प्राइस से क्यों होना, हमें किस प्राइस पे खरीदना होगा, परचेज कॉस्ट पे खरीदना, तो उसी के हिसाब से पहले हमें पैसे चाहिए होंगे। तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 8%, आपके पास फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आ जाएगी जो फिर होल्डिंग कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 में होल्डिंग कॉस्ट दी हुई है, एक तो स्टोरेज के एंगल से दी हुई है थर्ड पार्टी वेयर हाउस, और फिर एक फाइनेंसिंग कॉस्ट के एंगल से दी हुई, इसके साथ जरा लिखना पेज नंबर 260। बात समझ आ गई वैसे, ये 200 रुपए का अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदना है तो अगर अपने पैसे लगाएंगे तो फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी, अगर अगर अपने पास पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट इंकर करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक बन जाएगी। अरे एक वर्किंग करना है, इकोनॉमिक ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट जी, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है नहीं, पहला मेन आज का काम यह है कि फार्मूला कम अज कम फाइनल करें, डिफाइन करें फार्मूला, लिख लें लिख लें। डिवाइडेड बाय प्लस ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट, अंदर कुछ नहीं खाली ब्रैकेट खोली है, फार्मूला लिख लें सर लिख लें, अगर जुबानी याद हो गया तो लिख लें एक दफा। ओके लिमिटेड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जी सर, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर की एक वर्किंग कर, 2-3 लाइनें रख लेंगे डोनेटेड,
किस डिपार्टमेंट का खर्चा ऑर्डरिंग कॉस्ट के एंगल से निकल आता है? परचेजिंग डिपार्टमेंट, बिल्कुल ठीक हो गया। कॉस्ट पर ऑर्डर, फुल कंसंट्रेट करना है, फिगर्स निकालना आसान नहीं है। 2688 ढूंढना, मल्टीप्लाइड बाय 65% करके रेलिवेंट कॉस्ट निकालना। आंसर आ गया 174,200। इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफिस, ठीक है। 264 पेज पर जो है, कल कोको किंग वाले क्वेश्चन में भी आपने कॉस्ट पर ऑर्डर निकाला, सोच के बताएं कैसे निकाला होगा। नहीं देख लेना, देख लेना, फिगर्स बोल दे, फिगर्स बोल दे, फिगर्स बोल दे। अब जब 6 मिलियन करेगा तो ये फिगर आ गई, डिवाइड बाय क्या किया था वहां, नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन थे। इधर आके जरा ढूंढे नंबर ऑफ ऑर्डर्स के, यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर्स डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आते कैसे हैं? नहीं, अगर ईओक्यू लेवल पे होंगे तो ईओक्यू के ऑर्डर्स आ जाएंगे, ईओक्यू तो हम शायद निकाल रहे हैं, वरना किसी भी ऑर्डर, जो भी ऑर्डर साइज एग्जिस्टिंग होगा, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज करेंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो आपके पास कोई ऑर्डर साइज है इस वक्त ढूंढने का? राइट, 60,000 के है एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ऑर्डर साइज है। अगर कहीं से हमें एनुअल डिमांड मिल जाए, अगर एनुअल डिमांड मिल जाए, अगर एनुअल डिमांड मिल जाए तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल लेंगे। ऑर्डर्स गिवन थे कल वाले सवाल में, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में ऑर्डर्स गिवन नहीं है। तो एक वर्किंग कर लें जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आएंगे? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। अब ऑर्डर साइज इस वक्त हमें पता है, पता है किसी को? 60,000, लेकिन एनुअल डिमांड अब आपने निकालनी। अब एनुअल डिमांड निकालनी किसकी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। एटी की वर्किंग हो रही है या H2 की हो रही है? एटी की वर्किंग हो रही है, एटी रॉ मटेरियल खरीदना है आपने, तो ढूंढे जरा एनुअल डिमांड। ये अभी वर्किंग कल जैसी है, कोशिश करेंगे, हो जाना हो जाना हो जाना, कल कल से शायद इजी है। जी फैसला, एक मिनट, 45,600 यूनिट्स H2 के हैं, हर यूनिट को 10 kg रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली, नहीं एक मिनट, 456,000 kg रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन क्योंकि लॉस होने हैं तो खरीदने ज्यादा पड़ेंगे। तो कल वाली वर्किंग है, कितने परसेंट लॉस होना किस चीज का? परचेज का, नहीं पहले परचेज ही बोल रहे, आप परचेज क्वांटिटी इनपुट करेंगे या रिक्वायर्ड क्वांटिटी इनपुट करेंगे? अगर लॉस नहीं फिर तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज परचेज क्वांटिटी इनपुट करनी पड़ेगी। अब ये बचानी है या ये टोटल लगानी है? इतनी बचनी चाहिए, वरना 10 kg चाहिए 45,600 यूनिट्स को। तो ये अब सॉर्ट ऑफ बॉक्स बनाए अपने जहन में, ये रिक्वायर्ड है या इनपुट है? ये रिक्वायर्ड है, वापस जाना आपने, बाकी सिंपल, आई होप कि रिपीट होता है बार बार, डिवाइड बाय 95 into 100, तो 480,000 एनुअल रिक्वायरमेंट कह लें, डिमांड कह लें, किसकी? अरे रॉ मटेरियल लिखे बाकी, हाँ जी आ जाएंगे। जी ठीक है, फैसल में एट ऑर्डर्स, ठीक है, 480,000 डिवाइडेड बाय 60,000 ऑर्डर साइज, आंसर इज एट ऑर्डर्स। अब इन एट ऑर्डर्स से क्या पता चल जाएगा? कॉस्ट पर ऑर्डर, तो यूज करें जी 218
एक नज़र रिवाइज कर लें, देखने को फिगर कोई कंफ्यूजन हो रही। जी नोटेड है प्लीज। चलें सर, अब कॉस्ट ऑफ ऑर्डर आ गई, एनुअल डिमांड भी शायद आ गई, तो 2 × 218 4000 × 480,000 क्या रह गया? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ढूंढने सिंपल है बच्चे, इस सवाल में मुश्किल नहीं है ढूंढने, तो 1 मिनट का। सिंपल है, सिंपल है, हो जाना। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम पर यूनिट, यहां पे यूनिट कौन सा है? केजी पर एनम। स्टोरेज कॉस्ट है एक तो, लेकिन वो 6.25 में प्रॉब्लम क्या है? पर मंथ है मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 75। उसके बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है बोल दें एक दफा जरा। परचेज कॉस्ट इंटू 8%, अब ये रेट ऑलरेडी पर एनम है, आंसर 16 आई थिंक। 91 इज होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इज इक्वल टू ये 48,000 यूनिट्स, अगर 80 के एंगल से सोचा जाए तो केजीस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। प्लीज क्लियर है सर। बी रिक्वायरमेंट इंडिविजुअली करने वाली है, एक मैं पढ़ के बताएं क्या करेंगे। वो नंबरिंग जरा थोड़ी इसकी सही कर लीजिएगा, वो नंबर 3 हो गया, बी पार्ट है। सप्लायर ऑफ 80 हैज ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफ द क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 1,20,000 केजी, एडवाइज क्या करेंगे, कैसे एडवाइस देंगे? एक ईओ के लेवल पर और एक 1,00,000 करेंगे वर्किंग इंडिविजुअली करने की। प्लीज इंडिविजुअली करना।
जी ठीक है फैसल, आगे करें। हाँ जी, ईओ की लेवल पे होगी वर्किंग। क्या आंसर आया? 100003368000। डिस्काउंट लेवल पे कर रहे हैं। हाँ जी, उसमें एक जगह चेंज आना जाके तो। हाँ जी, सोच लो, वो कल भी शायद बात हुई है, कॉस्ट बदल रही है। पहले जो 200 रुपए का एक यूनिट आ रहा था, 200 रुपए का जो यूनिट आ रहा था, अब 190 का आएगा, और अकॉर्डिंगली फिर फाइनेंसिंग कॉस्ट 190 रुपीज के एंगल से हो जाएगी। कल भी शायद हुई है बात, एक छोटे सवाल में ही थी बात। 200 रुपए से मल्टीप्लाई होके 16 रुपए आया था ना, तो 200 की जगह अब फिगर बदल जानी है। ये कर ले फाइनल, आप फिर मैं फिगर्स लिख देता हूँ। हाँ जी, अगर किसने कंप्लीट कर लिया वो कंक्लूजन भी ड्रॉ करे। जी 90.2 समझ आ गया, कंक्लूड करेंगे। जिनका आंसर आ गया एक इंग्लिश में लाइन लिखे, लिखा करें यार, ऐसे डरा ना करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई फिगर 90.2, सॉरी ये चेंज क्यों हो गई? कॉस्ट प्राइस बदलने से क्लियर हो गया? जी टोटल कर दो 97485485600। जी डिस्काउंटेड लेवल पे बचत हो रही है जी, कंक्लूजन वी शुड अवेल डिस्काउंट बाय ऑर्डरिंग 1,20,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। ठीक है फैसल, वर्ड डिफरेंट हो सकता है जी। ओके, वर्किंग कर ली, इन्होंने कर ली। पेज पीछे रोमो हब के नाम से क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो, पेज नंबर 270। स्पीड अप होना सर, क्वेश्चन कंप्लीट कर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कंप्लीट है।
कंफ्यूजन। हाँ जी सॉरी, रिक्वायरमेंट सी पे है। एनी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑफ ईओक्यू क्वेश्चन में आएंगे? हाँ जी वही है, वही जो अजम्पशंस हैं वो प्रैक्टिकल लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि रियल लाइफ में तो वो तीनों चीजें ही हैं। लाइक जरा जाएं तो 262 पेज पे, 262 पेज पे जरा जाएं। पहली अजम्पशन क्या थी? अब पहली कमी ये रियल लाइफ में तो डिस्काउंट मौजूद है, तो देयर इज अ बल्क परचेज डिस्काउंट इन रियलिटी। हाउएवर ईओक्यू अज्यूम्स देयर इज नो बल्क परचेज डिस्काउंट। नंबर टू, ऑर्डर लीड टाइम इज कॉन्स्टेंट और नॉन। कल बात हुई है कि सर्टेनिटी अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं और उस वजह से फिर बफर स्टॉक्स भी रखने पड़ते हैं। और सी पढ़ा, एनुअल डिमांड कॉन्स्टेंट भी एक अजम्पशन है, एनुअल डिमांड भी हैफजर्ड हो सकती है। ठीक है, तो वही जो अजम्पशन है वही लिमिटेशन। आगे बढ़ो, पेज नंबर 270। इसको होमवर्क लिखा, इसका सी का आंसर पढ़िएगा जाके, सी के साथ होमवर्क लिखे। 272 जी, ठीक है प्रोफेसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरोमा हर्ब्स, एक सीरियस क्वेश्चन आ गया थी, इसमें जरा वर्किंग जरा ज्यादा। अरोमा हर्ब्स डील्स इन हर्बल टी, द टी इज इंपोर्टेड। प्लीज पेज नंबर 2670, एक पेज पीछे। टी इज इंपोर्टेड ऑन 6 मंथली बेसिस, अंडरलाइन। साल में कितनी दफा? द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। एनुअल सेल ऑफ टी is estimated at 60,000 kgs at the rate of 1260 per kg. Yes, sale price hai. Sales are evenly distributed throughout the year. Yahan tak to padha hai apne upar se. Pata hai trading business hai manufacturing. Kya khareed ke becha ja raha hai? Haan ji, matlab tea hi khareedi ja rahi hai aur tea hi bechi ja rahi hai. Lekin locally khareedne ki bajaye इंपोर्ट की जाती है, तो ट्रेडिंग बिजनेस है। नंबर टू, सी एंड एफ का मीनिंग लिखना था, ये शायद पहले कभी बात नहीं हुई। सी एंड एफ का मतलब होता है कॉस्ट एंड फ्रेट। अगर आप इंपोर्ट करें तो कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, फ्रेट मिला के एक वैल्यू आती है, उसे फिर सी एंड एफ कहते हैं। सी एंड एफ स्टैंड फॉर कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट प्लस फ्रेट। फ्रेट किसे कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन रस्ते का किराया। सीएनएफ वैल्यू ऑफ द टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज रुपीज 900 पर केजी। बिफोर 10% डिस्काउंट जी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर पेड एट द रेट ऑफ 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। सेल्स टैक्स पेड एट द इंपोर्ट स्टेज इज रिफंडेबल। कस्टम ड्यूटी पार्ट बने, लेकिन सेल्स टैक्स क्यों नहीं पार्ट बनेगा? रिफंडेबल है, अलग से ट्रीट होगा। नंबर थ्री, यूज ऑफ ईओक्यू मॉडल वुड रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर। मतलब खुद बता रहा है कि ईओक्यू मॉडल से हमारे क्वांटिटी पर ऑर्डर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट बल्क परचेज डिस्काउंट वुड रिड्यूस फ्रॉम, खत्म नहीं होगी, एक 10% से 8% रह जाएगी। प्रैक्टिकली अब ईओक्यू में अजम्पशन क्या है, लेकिन रियल लाइफ है कि देयर मे बी बल्क परचेज डिस्काउंट, तो ईओक्यू लेवल पे भी कितनी डिस्काउंट रहेगी, कितने से लेकिन कम हो जाएगी। ठीक है, नंबर फोर, अजम्पशंस हो रही वायलेट, प्रैक्टिकली डेफिनेटली हो सकती है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द स्टॉक इज 1% पर मंथ है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होल्डिंग कॉस्ट है, बाकी वो ठीक है पर मंथ है, इंटू 12 कर लेंगे। देखिए ये 1% मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉस्ट से। हाँ जी वो ठीक है, जो कॉस्ट बनेगी वन ऊपर फर्स्ट लाइन में जाए 1260 के है। हाँ जी ये सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होना, जो भी कॉस्ट प्राइस को इंशाल्लाह भी निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई होना है। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग ने अपनी चीजें खरीदनी है।
एनुअल स्टोरेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 320 पर केजी। अब इसका तो बताया नहीं भाई, पर मंथ है, पर है ना, मैं कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, वो सामने लिखा है, अज्यूम कोई नहीं, एनुअल लिखा है, पहले लिखा है सर, कमाल हो गया, अज्यूम यार, खुदा का नाम है। एनुअल परचेज कॉस्ट इज एस्टिमेटेड है 320 पर केजी, वो ठीक है, चल आपकी बात ठीक है, लेकिन बहरहाल एनुअल पहले लिखा हो। एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्रोसेस करने का खर्चा 90,000 है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वुड रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय, मतलब पॉइंट नंबर 3 में जाए जरा, यू क्यू की वजह से क्वांटिटी पर ऑर्डर कम होनी थी, उससे फिर ऑर्डर्स बढ़ने थे, ऐसे ही है? नीचे है पॉइंट नंबर 6 में, ऑर्डर बढ़ने की वजह से फिर कोई ऑर्डरिंग कॉस्ट में 10% कमी आनी है, पहले कितनी है 90, रिवाइज सिचुएशन में 10% कम होनी है। लास्ट पॉइंट, एच मेंटेन्स अ बफर स्टॉक इक्वल टू द 15 डेज सेल, बफर स्टॉक इक्वल टू द 15 डेज सेल। एक सेकंड के लिए पेज नंबर ढूंढें, 62 जरा चेक करें, 62 पे क्या नजर मिलता है, नहीं 62 नहीं, थोड़ा सा आगे 82 जरा देखें, थोड़ा सा पीछे जाए 80, इसके लास्ट लाइन देखें 80, पेज नंबर 80, एक सॉल्ट लेदर के नाम से 79 है, 79 स�री 79 की लास्ट लाइन पढ़े, ये काम एक दफा पहले भी अपने जिंदगी में किया हुआ है। एक महीने का स्टॉक सेल का, जो सेल होना है एक महीने की सेल स्टॉक में रखनी है, तो इसका तरीका क्या होगा कि जो सेल है उसे डिवाइड बाय 12 कर लिया जाए और मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंगली जितने मंथ्स का रखना, तो वहां मंथली था, तो यहाँ वापस आए, यहाँ 15 दिन है, कैलकुलेटर उठाएं, 60,000 पहली लाइन में देखें, 60,000 के है, तो 60,000 डिवाइड बाय 365, अब डेज में तो 365 कर लें, अगर वो कहे एक महीना तो फिर मंथ्स में वर्किंग कर लें, डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये क्या निकल आएगा, ये क्या निकल आएगा, हाँ ये बफर स्टॉक की क्वांटिटी उसे देने की बजाय बफर स्टॉक की इंफॉर्मेशन दे दी है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर है, एक नजर डाटा पढ़ लें फिर अभी शुरू करते हैं। ऑनलाइन सोर्स बात समझ आ गई प्लीज, अभी लास्ट लाइन रिक्वायरमेंट पढ़ें जी, पहली यू क्यू पढ़ लें, डाटा कंप्लीट कर लें, आप दोबारा देख लें, शुरू करें, ये क्यों फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर ढूंढें, गिवन है ढूंढेंगे, 90,000 गिवन है, बस एक काम करना मल्टीप्लाइड बाय 90% शायद होना 81,000, 10% ऑर्डर कॉस्ट ने कम होना है, मिल गया, मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड ढूंढे, एनुअल डिमांड ढूंढे 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 कोशिश करें, एनुअल डिमांड 60,000 ठीक है, 60,000 ठीक है, इसमें क्वेश्चन हो सकता है आपकी तरफ से, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन, लॉस लॉस कौन सा लॉस कौन सा लॉस, नहीं अगर हो जाता तो ठीक है, मतलब हुक्म करें कितना लॉस होना है, जाने दे खुदा के लिए, इतना अच्छा सवाल इससे अच्छे इसे कम अच्छा करें नहीं वो तो बेटा इन्फॉर्मेशन होगी तभी लॉस होगा, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज सच के लॉस होगा,
एक अच्छा सवाल ये वाला है, जरा लास्ट लाइन में आ रहा है। स्टॉक नहीं रखना, स्टॉक नहीं रखना सर। हाँ जी हाँ जी ठीक है। नहीं मतलब स्टॉक भी तो रखना, नहीं स्टॉक भी रखना, क्या खरीदना पड़ेगा स्टॉक रखने के लिए? तो 60,000 तो बेचना है, तो स्टॉक भी तो रखना है। सवाल ठीक है लेकिन, हाँ जी आखिरी लाइन पढ़े जरा। ये स्टॉक ना मेंटेन है, मेंटेन का मीनिंग ओपनिंग क्लोजिंग सेम होगा। अपने जेन में जरा एक स्टॉक अकाउंट बनाया जरा, आपने एक फिगर सॉल्व किया अभी जरा बफर स्टॉक की, जरा क्या कैलकुलेट हुआ था? 24 समथिंग, 2466, 2466 का जो स्टॉक है बफर स्टॉक, ये मेंटेन होने का मतलब ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग भी होगा, देयर फॉर सेल ही परचेज होगा। एक स्टॉक अकाउंट बना लेना जिन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेल ही देयर फॉर परचेज हो रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स कॉन्स्टेंट है। असल असल चीज शायद ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट ईयर बिजनेस हो या बफर स्टॉक में वेरिएशन आ जाए, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स डिफरेंट हो जाए, फिर डेफिनेटली एक वेरिएशन आने की वजह से स्टॉक अकाउंट भी बन सकता है। तो मेंटेन होने की वजह से वी अज्यूम के क्या किसके बराबर है? सेल नहीं मतलब वो तो इक्वल होने की वजह से, स्टॉक मेंटेन होने की वजह से सेल ही परचेज है। क्लियर है? क्लियर है सर? बाकी एक वर्किंग रह गई है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द होल्डिंग 1 kg पर एनम। हाँ ये वर्किंग करें जरा, छोटी सी ये करवानी है प्लीज। जी ढूंढे जी होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या आना है। होल्डिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम, पर केजी पर एनम, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट 320 ऐसे डिजाइन एनुअल है, पर केजी भी है एनुअल भी है। दूसरी चीज नहीं नहीं दूसरी चीज फाइनेंसिंग कॉस्ट। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट की वर्किंग जरा मेरे साथ सुन लें। पॉइंट नंबर है 2 और 3 ने अप्लाई होना है, कंसंट्रेट करना पड़ना फुल, कैलकुलेटर पे लिखे 900, 900 की गेम चलाएं। हाँ जी ऑलरेडी ये 90% है। हाँ जी दो तरीके हो सकते हैं, 900 डिवाइड बाय 90 ठीक है, इंटू 100 करके टोटल भी आ सकता है, लेकिन नीचे जाएं जरा पॉइंट नंबर 3 में, डिस्काउंट ने 10 से 8% होना है, तो रिवाइज सिचुएशन में शायद 92 हो जाना है, तो 900 डिवाइड बाय 90 इंटू 92 हो सकता है, 90 से 92 होना है, 2% डिस्काउंट ने कम हो जाना। क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? लेकिन इसमें पॉइंट नंबर 2 में वापस जाए, कोई खर्चा और भी जमा होना है, कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स, तो जो फिगर आई है मल्टीप्लाइड बाय 1.2 हो सकती है। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, 900 डिवाइड बाय 90 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 92 ठीक है, लेकिन यहां तक तो सी एंड एफ वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाइड बाय 1.2 क्यों कह रहा हूं, कस्टम ड्यूटी 20% है, तो 120% अमाउंट हो जाएगी, और सेल्स टैक्स को कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो रिफंडेबल है, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक फाइनली वर्किंग करवा दें, 900 डिवाइड बाय 90 इंटू 92 इंटू 1.2, यहां तक आंसर आ जाएगा 1104, बट मल्टीप्लाइड बाय 1%, लेकिन 1% पर मंथ रेट है इंटू 12, ये तो डिवाइड बाय 12 नहीं होता यार, रेट होता है होता है होता है, कब होता है? जब पर एनम रेट हो और आपने मंथली में कन्वर्ट करना हो, तो पर मंथ रेट है मल्टीप्लाइड बाय 12 करके फाइनेंसिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम बन जाएगी। ये पूरी वर्किंग समझ आ गई, पूरी वर्किंग समझ आ गई सर? ठीक है तो इंशाल्लाह आ जाएगी। वन थर्टी टू पॉइंट फोर एट, हाँ जी टोटल हो जाएगा 452.48। तो ये फाइनेंसिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई होनी किससे है?
मल्टीप्लाई होनी किससे है? परचेज कॉस्ट से, और परचेज कॉस्ट डिटरमिन करनी पड़ी हमें। नहीं है, 452.48 हो गया। आप लोग कंप्लीट करें, बाकी मेरा कोई इशू नहीं है। ये वाले स्टूडेंट्स आप लोगों के क्लियर हो गए? डिवाइड बाय 90 इनटू 92 एंड सो ऑन। जी सॉल्व कीजिए। 4635 केजीज, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, कर ले। सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़े, जो लोग पढ़ ले जरा कंडी, सोचे क्या करेंगे। कौन से दोनों यार, कौन से दोनों? कहते हैं सेविंग बताएं ईओक्यू को अडॉप्ट करके, तो ईओक्यू को वर्किंग अप कर लेंगे एनुअल कॉस्ट की, उसे कंपेयर किससे करेंगे? एग्जिस्टिंग की है, एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज भी है, साल में दो दफा ऑर्डर है, तो 60,000 डिमांड है, 30,000 ऑर्डर साइज है एग्जिस्टिंग, करें वर्किंग अप। अब एहतियात से कीजिएगा, इसमें फिर गेम है, करें हिम्मत, बिस्मिल्लाह पढ़ें। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है? फर्स्ट पैराग्राफ में 6 मंथली बेसिस पे इंपोर्ट हो रही थी पहले, इज इंपोर्टेड की जाती है, और देयर फॉर 480 डिमांड है, सॉरी 60,000 डिमांड है, तो सेमी एनुअली 6 मंथली बेसिस पे इंपोर्ट हो रही है, तो दो ऑर्डर्स होंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 30,000 के, समझ आ रहा है? करें वर्किंग बी पॉइंट। करें करें इंडिविजुअली करें, दो मिनट में बैठो।
सा राउंड ऑफ होगा सर, वैसे भी बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक की वजह से नहीं आएगी। और अगर बफर स्टॉक, वैसे तो पता नहीं लिया कि नहीं आपने, लेकिन अगर बफर स्टॉक नहीं भी लेंगे तो राउंड ऑफ होगा, थोड़ा सा फर्क फिर भी आना है। बफर स्टॉक लेना, वैसे अब कल होगी बात है, तो बफर स्टॉक जब लेंगे तो फिर डेफिनेटली वॉल्यूशन हो देगी, तो मैच नहीं करेगी फिर। करें करें कंप्लीट करें, 69 समथिंग क्या? नहीं परचेज कॉस्ट बड़ी देर से आ गई, वो मैं कर लेता हूँ सही, मेरा मेरा थोड़ा मेरा गलत ही रहने दें। अच्छा है आपको गलत नजर आए, बाद में काट के ठीक रहेगा। जी जी वो तो उसने मेंटेन रखा हुआ, तो इन आइदर ऑफ द केस नहीं, नहीं सेल तो सेम ही है, सेल तो सेम ही है। नहीं वो तो डिवाइड बाय 12, साल में फिर अगर 12 महीने लेंगे आप तो हर महीने में आप 30 दिन ले रहे हैं, फिर 360 दिन ना सर, ना करें खुद आगे लिए कितना बड़ा फर्क डाल दिया सर, ना करें। साल के 12 महीनों को अगर आप जरब देंगे 30 से, तो 360 दिन बनते हैं, कोई इशू नहीं सर, बनने दें। मुझे जागना होगा, बफर स्टॉक की क्वांटिटी बताइए कितनी है थी? 2466। अब अपना कार्ड के 2466 ना कर दीजिएगा, 2500 ठीक है। और डेज में कर रहा हूँ वर्किंग यार, डेज में अगर कह रहा तो 365 से डिवाइड कर, अब डिवाइड बाय 12 करके आधे महीने का स्टॉक निकला। क्यों वो तो लिखा हो तो फिर होता है, साल में कितने दिन होते हैं? 360। वो तो क्वेश्चन में अगर कहा कि 360 लेने, फिर वो फिर लेने होते हैं। लिखा हुआ है एन ऑर्डर ही है। और यार पर ऑर्डर कह रहा है यार, ये हो गई फोर 52.48। वन जीरो ऑर्डरिंग कॉस्ट 1048544। नहीं क्या दोबारा बता दो, 54 कैरिंग कॉस्ट 69.24। क्या कहाँ से परचेस प्राइस है?
फेस प्राइस पे भी निकाली तो है 1104, जिसके बेस पे फाइनेंस कॉस्ट आई है सर। जी कैरिंग कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, बल्कि कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक और मल्टीप्लाइड बाय, आंसर बताइएगा। टू फोर 2164 438, ये तो फिगर्स मैच होती हैं। किस चीज की? और नहीं नहीं वो डिस्काउंट का इस पे इफेक्ट नहीं है, बफर स्टॉक का बस मसला है। कैलकुलेटर पकड़ने में 4635 डिवाइड बाय 2 इनटू 452.48 करें, अभी भी मैच नहीं हुआ। नहीं अभी भी मैच क्यों नहीं हुआ, आपने जो 4635 निकाला ना तो उसको राउंड ऑफ किया है। नहीं नहीं वो नहीं है यार, बस अभी वो मसला नहीं है। ईओ क्यू जब आपने आंसर लिखा है राउंड ऑफ किया है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैच है। सिर्फ किसके वजह से डिफरेंस है वो? नहीं यार ईओ क्यू की वजह से नहीं है, बफर स्टॉक की वजह से। सिर्फ बफर स्टॉक ना हो बीच में तो फिगर तकरीबन मैच है, बाकी जो डिफरेंस है वो राउंडिंग ऑफ का। बात क्लियर है प्लीज मेरी? जी टोटल कीजिएगा। तो सर वो कर लेते हैं यार, कमाल है, आप मेरी फिगर सीख करवाई जा रहे हैं। ये ले ठीक है मैं कर देता हूँ, बताए फिगर के परचेज प्राइस बताइए। 2460 ठीक है सर, बहुत जाने नहीं यार, मैंने जानबूझ फिगर लिखा था कि बच्चों का गलत हो, आइंदा से देख के ना लिखा करें। अब अपनी फिगर निकाले सर जी, टोटल कीजिएगा। बहरहाल क्लियर हो गया, 6945 3460 वैसे फिगर ठीक नहीं लग रही है। सिक्स नाइन फोर फाइव 2982 आपकी भी ठीक है, आप नंबर आइए, आपने 2500 लिया हो आपका भी ठीक। बफर स्टॉक बड़ा होता है जो एक्स्ट्रा आपने रखा हो ताकि स्टॉक आउट ना हो, अगर अनसर्टेनिटी हो डिमांड और लीड टाइम में तो बफर स्टॉक आपने रखा होता है ताकि स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो, और फिर बफर स्टॉक रखेंगे उसकी भी होल्डिंग कॉस्ट इंकर होगी। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 डेज का बफर स्टॉक रखा जाना। जी रिवाइज वर्किंग करें, जी रिवाइज वर्किंग करें, और उसमें सीरियस इश्यूज है। ये फैसल कल भी आया यार, कोको किंग देखें, ये की लेवल पे भी बफर स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर ईओक्यू में आप जाएंगे भी तब भी प्रैक्टिकली अनसर्टेनिटीज होती हैं, वो तो अजम्पशन है लेकिन अजम्पशन प्रैक्टिकली वायलेट हो जाती हैं। ठीक है बफर स्टॉक समझ आ गया प्लीज। कोको किंग देखें यार, ये तो चीजें अब रिपीट हो रही हैं। इंडिविजुअली करें सर जी, आपको कहने का मकसद ये होता है कि जरा खुद सोचें, आप लोग बातें करने शुरू हो जाते हैं। जी बफर स्टॉक फाइनल हो गया सर, एनुअल कॉस्ट एट एग्जिस्टिंग सिचुएशन, व्हाट इज द ऑर्डर साइज, बाकी आप करें वकील मुझे बस ऑर्डर साइज बता दें। फर्स्ट पैराग्राफ देखें, 6-6 महीने बाद ऑर्डर दिया जा रहा था, तो ऑर्डर साइज इज 30,000। डिमांड और दो दफा साल में सेमी एनुअली सिक्स मंथली, ऑर्डर साइज 30,000।
वर्किंग करें, वर्किंग करें, मेरे फाइनल आंसर बताना, नहीं काइंडली इंडिविजुअली करें यार, दिस इज नॉट द वे, प्लीज काइंडली, खैर गलत हो रहा है। फिगर्स में चेंज आना है, कंसंट्रेट करना अपने, गलती से ना डरें, गलतियां करने से सीखेंगे। आप लोग जो ट्राई नहीं करते ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परचेज प्राइस बदल जाएगी, कॉस्ट पर ऑर्डर 90 पे चली जाएगी। जी नाम सब ठीक है, 1 लाख से ठीक है। कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर यूनिट बदल जाएगी, क्यों? परचेज कॉस्ट उसमें चेंज आ रही है वंस अगेन। स्टोरेज कॉस्ट एज इट इज रहेगी 320। करने का माइंड अप करना, मैं एक मिनट, जी को रिवाइज परचेज कॉस्ट निकाली किसने, इतनी, हाँ जी 1080, 900 इंटू 1.2, 1080 मल्टीप्लाइड बाय 1% इंटू 12, आंसर 129.6, टोटल हो गया 449.6। नहीं 7-8 तो समथिंग नहीं, मतलब 7-2-8 है शायद। परचेज प्राइस फाइनली आ जाएगी 64.8 मिलियन, कैरिंग कॉस्ट मेरा ख्याल आएगी, अच्छा आप कैरिंग कॉस्ट बता रहे, 5872714। टोटल कॉस्ट बोर्ड से है कि छागे सही है, कैलकुलेटर से देखे लिख लें, एक मिनट ठहरिए सर, मैं जरा स्लो स्लो जा रहा हूँ, क्या हो गया मेरे पे इतना बोझ क्यों डाल रहा। जिनके ख्याल में उन्होंने क्वेश्चन कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढें जरा यहाँ, ऑर्चिड लिमिटेड के नाम से, ये पढ़े जरा इंडिविजुअली, चलो कर रहे हैं काइंडली सही वाइंड अप करेंगे जी। मिस लास्ट लाइन में से फिगर लिखवाना चाहे आप लिखवा दो,
और सर जी इधर ढूंढ ले, सवाल नंबर तीन है यार, कमाल हो गई, तीन सवाल है, दो हो गए, सवाल नंबर तीन का पेज ढूंढे, 7 to 8 3 2 7 1 4 चलो ठीक, ये कंक्लूड करना जी, कंक्लूड कंक्लूड, सेविंग मांग रहा है अमाउंट, बल्कि मांग रहा है सेविंग की अमाउंट रहा है एग्जामिनर को, अमाउंट ऑफ सेविंग अमाउंट ऑफ सेविंग इज डिफरेंस ने डबल थ्री सेवन नाइन डबल थ्री सेवन नाइन सेवन थ्री टू अमाउंट ऑफ सेविंग इज बाय अडॉप्टिंग ये होगी एनी कंफ्यूजन ऑनलाइन स्टूडेंट्स पेज नंबर 273 पे ऑर्चिड लिमिटेड पढ़े जरा न्यूजली कोई लिख तो नहीं रहा प्लीज बोर्ड पे जो है नोट तो नहीं हो रहा जी सर, ये ऑर्चिड लिमिटेड, ऑर्चिड लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, कंसंट्रेट कीजिएगा, इट इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट ईओक्यू मॉडल फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ऑयल डील्स इन फोर प्रोडक्ट्स ईच ऑफ विच इज परचेज फ्रॉम अ डिफरेंट सप्लायर टू कंप्यूट ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बीटा फॉलोइंग डाटा हैज बीन गैदर्ड हर प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट की बात हो रही एक्चुअल डेटा फॉर द लास्ट ईयर रिलेटिंग टू बीटा फर्स्ट पैराग्राफ देख के बताएं क्या लास्ट ईयर में ईओ की यूज हो रहा था प्लानिंग है कि यूज किया जाए तो लास्ट ईयर का डेटा पहले पढ़े एनुअल सेल सेफ्टी स्टॉक ट्रांजिट लॉसेज एज अ परसेंटेज ऑफ परचेजेस अभी थोड़ी देर पहले हॉकी लिमिटेड की है वहां जाए जरा पॉइंट नंबर टू देखें यहां भी लॉस की परसेंटेज परचेज के साथ है वहां भी परचेज के साथ है फर्क थोड़ा सा बस ये है कि यहाँ ये जो कसम देख रहे हैं हम इसमें रस्ते में लॉस है वहां शायद हमारे अपने स्टोर रूम में लॉस है वरना दोनों में लॉसेस की परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है परचेजेस के साथ तो वही स्टोरी बन जानी व्हाट इज 100 परचेज ही 100 10 फिर लॉस एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख रुपए एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट 80 रुपए दोनों में क्या फर्क है यहां से क्या निकाला जा सकता है नहीं पर एनम तो निकाला जा सकता है मल्टीप्लाई 12 करके लेकिन दोनों को इकट्ठा कर देखा जाए तो यहां से जो यूनिट्स रखे हुए हैं वो भी निकल सकते हैं सॉल्व करें जरा ये कौन से यूनिट्स होंगे तो रखे हुए यूनिट्स को क्या कहते हैं स्टॉक जो यूनिट्स रखे हुए हैं स्टॉक है स्टॉक कितना रखा होगा कि हर स्टॉक के यूनिट की इतनी कॉस्ट है ये बन गए 6 to 5 यूनिट्स होंगे हर यूनिट को रखने की कॉस्ट 80 है और 5 लाख रुपए बना हुआ है अच्छा इसमें ये परेशानी नहीं होनी चाहिए पर मंथ डाटा है आप जरा एक सेकंड इसे पर एनम बनाएं
एक सेकंड कीजिए गलत। 5 लाख को 12 करेंगे तो 60 लाख, नहीं दोनों को कर लेना, दोनों पर मंथ है तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 960, एक मिनट करें तो आंसर सेम ही आएगा। असल में दोनों पर मंथ है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एनुअल ये जो एवरेज कॉस्ट है ये फॉर एग्जांपल पर एनम होती और नीचे पर मंथ होता तो फिर शायद आपको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ना था, क्योंकि दोनों पर मंथ ही है इसलिए यहाँ से हम यूनिट्स निकाल सकते हैं जो स्टॉक में रखे गए होंगे। इन यूनिट्स को रखने की कॉस्ट आती है जो स्टॉक में हो, स्टॉक में रखे हो। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स इश्यूड फॉर बीटा, 40 यूनिट ऑर्डर थे बीटा के। नंबर टू, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 45 लाख विच इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ 350000। अब यहाँ से क्या करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, डिफरेंस ले लेंगे, वेरिएबल आ जाएगा। एंड अ टोटल ऑफ 100 परचेज ऑर्डर्स इशू ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ऊपर जाएं टेबल में दोबारा, 40 के और 100 के, वो सिर्फ बीटा के हैं, चार प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ से शायद बड़े इजीली पॉइंट नंबर टू से हम कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल सकते हैं, बताएंगे ना कैलकुलेट करके। जी ठीक है फैसला, वो देख लेंगे लेकिन अभी काइंडली डाटा पढ़ने पे देखते हैं। सिंपल है सर जी, सिंपल, 45 लाख में से 13,50,000 माइनस कर दें, क्या आ गया, ये रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट आ गई, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 31,500 कॉस्ट पर ऑर्डर आ रही है। नेक्स्ट पेज पे अब लिखा है प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, पिछले पेज पे कौन सा डाटा पढ़ा आपने, तो लास्ट ईयर से अब नेक्स्ट ईयर की तरफ आ रहे हैं। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, क्वांटिटी में 25% इजाफा होगा, सेल क्वांटिटी में, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसे कहते हैं, यूनिट्स। सेफ्टी स्टॉक 2500 होगा, पिछला डाटा देखें 2000 था। ट्रांजिट लॉसेज एज अ परसेंटेज ऑफ लॉस 10% की बजाय 6% होगा। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ऑल कॉस्ट 10% होगा। कल परसों होपफुली आपने एक्स वाई लिमिटेड रिवाइज किया है, तो इन्फ्लेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट आइटम्स डिफरेंट भी हो सकती है, 5%, 7%, 8%, 10%। यहाँ क्या कहता है, 10% है सब इन्फ्लेशन जो भी है रेलिवेंट, उनकी कॉस्ट की इन्फ्लेशन 10% है। लास्ट सेंटेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री किसको निकाल के, वेरीज इन लाइन विद द सेल वॉल्यूम, इसी पेज पे स्टार्ट में है, 25% अगर सेल वॉल्यूम ने बढ़ना है तो क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री ने भी 25% ही बढ़ना है, किसने किसके साथ बदलना है, सेफ्टी स्टॉक को निकाल के जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी उसने वॉल्यूम ऑफ सेल के साथ चेंज होना है। इट मींस अगर सेल्स ने बढ़ना है तो स्टॉक ने भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट होना है, बढ़ना है। आए वर्किंग करें, क्या निकालना क्या है, ईओक्यू, करंट लेटेस्ट ईयर का, लास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, ये पहला ये डिसीजन लेंगे, डाटा पढ़ के बताया तो उसने वॉनी कर ले हिम्मत कर ले, लास्ट ईयर का डाटा यूज करेंगे या नेक्स्ट ईयर का, जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर लास्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर में आएंगे। ईओक्यू अडॉप्ट करने का प्लान बन रहा है, फार्मूला बताएं जी, कॉस्ट पर ऑर्डर बता दें, सिंपल है सिंपल है सिंपल है, नहीं 31500 फाइनल करें ना, कंसंट्रेशन देखें सारा डाटा, ये सबका डाटा अगर अलग दिया तो अलग ही करना पड़ना,
जी वर्किंग एवरेज अभी आपने की है कॉस्ट पर ऑर्डर की 45 लाख माइनस 1350 डिवाइडेड बाय 130 31,000 ये। अब ये कॉस्ट पर ऑर्डर है किस साल की, नेक्स्ट ईयर में है, तो नेक्स्ट ईयर में ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज तो नहीं आ रहा। हाँ जी कॉस्ट में इन्फ्लेशन आनी है, नहीं बाकी तो चेंज कोई नहीं है। 1.1 कहाँ से ले रहा हूँ, 10% इन्फ्लेशन, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 34650। नेक्स्ट वर्किंग नेक्स्ट वर्किंग एनुअल डिमांड। अब एनुअल डिमांड की बहस शुरू करें। हाँ जी सिंपल है, लेकिन जो थोड़ी देर पहले आपने किया और जो इस वक्त हो रहा है थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। रीजन क्या है सोचें जरा, करना क्या, पहले हेडिंग लिख लें एनुअल डिमांड। जी एनुअल डिमांड सेल कितनी है एनुअल 72,000, इसमें कोई इजाफा तो नहीं है, कैसे करेंगे 1.25 कर लें, 90 आ गया। अब 90,000 में कोई प्रॉब्लम क्या, नहीं लॉस से पहले एक प्रॉब्लम, क्या स्टॉक्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं लेकिन वो डिफरेंट भी हैं, वो भी चेंज होने हैं। अरोमा हब्स में जाए जो भी क्वेश्चन नंबर 1 की है, उसमें बस बफर स्टॉक था और उसे मेंटेन होना था 15 दिनों का, 15 दिनों का स्टॉक मेंटेन होना था। यहाँ बफर स्टॉक भी चेंज हो रहा है, ढूंढने जरा, पहले 2000 था 2500 है और लास्ट लाइन में है क्वेश्चन की लास्ट लाइन, क्लोजिंग स्टॉक ने भी बढ़ना है सेल्स के साथ, तो यहाँ स्टॉक्स डिफरेंट होने की वजह से आपकी सेल और परचेज क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। ये भी ट्रेडिंग बिजनेस है लेकिन सेल और परचेज डिफरेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स अब डिफरेंट हो जाने हैं। तो मेरा ख्याल बेस्ट ये रहेगा कि स्टॉक का लेजर जरा रिवाइज करने देना, एक स्टॉक का लेजर ना ले सोचते हुए जरा चार चीजें गिनवा दें ट्रेडिंग बिजनेस समझ के, ओपनिंग परचेजेस, हाँ जी सेल, अमाउंट्स की बजाय अगर यूनिट्स में कर लें, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, परचेजेस क्वांटिटी, सोल्ड क्वांटिटी एंड क्लोजिंग क्वांटिटी, हर एक लेजर बनवा दें। एक लास्ट ईयर का बनाएंगे या नेक्स्ट ईयर का, ये भी फाइनल रखे जेन में, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का तो सोल्ड लिखवाएं पहले, छोड़ दें इसलिए ना करें, पहले समझ लेते सोल्ड यूनिट्स कितने होंगे, कैसे 72 × 1.25 90 ये हो गए, लिखे ओके जी प्लीज 90। नेक्स्ट ईयर के एंगल से वर्ड लिख ब्रैकेट में नेक्स्ट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर के एंगल से कोई ब्रॉड डाउन स्टॉक ढूंढे, नहीं सिर्फ 2000 नहीं है अभी शायद हमने वर्किंग कर भी ली हुई है, पहले ये बता दें मैं ये जो ब्रॉड डाउन कह रहा हूँ ये किस साल का स्टॉक ब्रॉड डाउन बनना है, लास्ट ईयर का स्टॉक नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन बनना, तो लास्ट ईयर के डेटा में जाए और शायद आप देख चुके हैं कि स्टॉक पड़ा हुआ, सोचे एक मिनट फिर सीधी फिगर आई हुई पड़े पड़े जरा डेटा, लास्ट ईयर के लास्ट ईयर में कोई स्टॉक पड़ा था सर 6250 मेरा ख्याल, क्या जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें सेफ्टी स्टॉक भी होगा,
या उसमें प्लस करेंगे, क्या होल्डिंग कॉस्ट उस पर भी इंकर हो रही होगी जो सेफ्टी स्टॉक है? अभी वर्किंग किया जरा दोबारा जाए क्वेश्चन नंबर वन में, क्या अगर सेफ्टी स्टॉक हो तो उसे मिला के होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है? तो 6250 ढूंढने जरा पेज नंबर 273 पे, क्या था ये 6250? यही यूनिट्स है यार, और क्या इन यूनिट्स में फिर सेफ्टी स्टॉक भी होना चाहिए? उसकी वजह बताएं, होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ एंड होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट, क्या 6250 में 2000 आ रहा होगा ये इसमें प्लस कर लें, उसमें भी होल्डिंग कॉस्ट इंकर हो रही होगी? नहीं, 6250 है क्या? नहीं, 6250 क्या है? एक स्टॉक है जो रखा, होल्डिंग किसकी होती है? स्टॉक की होनी है। तो 6250 में 2000 क्यों शामिल होगा? क्योंकि जो होल्डिंग कॉस्ट हमने निकाली है, होल्डिंग कॉस्ट में सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट भी तो होती है। जी, नहीं, एवरेज आपकी बात ठीक है, लेकिन अब लास्ट ईयर के एंगल से सोचा जरा, लास्ट ईयर के एंगल से हमें ओपनिंग का डाटा नहीं पता। अब ये जो यूनिट्स होंगी थ्रू आउट द ईयर होल्ड हुए होंगे, नहीं एक मिनट, अगर थ्रू आउट द ईयर होल्ड हुए होंगे तो उसका मीनिंग सारा साल होल्ड हुए होंगे, इट मीन साल के शुरू में भी होंगे और साल के एंड में भी होंगे और ड्यूरिंग द ईयर भी होंगे। एनी यूनिट्स पे हमने होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है तो शुरू से लेके एंड तक लास्ट ईयर ये हमारे पास यूनिट्स पड़े होंगे, तो एंड पे जो स्टॉक के यूनिट्स होंगे वो हमारे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग हो जाएंगे। पढ़ ले आराम से पढ़। नहीं, खत्म तो कब होंगे? जब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे या बेचेंगे? क्या ये लास्ट ईयर के एंड तक पड़े रहे? नहीं यार, वो तो लेके ना, हम ये उस पर थोड़ी ले रहे हैं। क्या सेफ्टी स्टॉक पड़ा रहता है? पड़ा रहता है, बिल्कुल ठीक है, पड़ा रहता है। लेकिन ये जो मैं बना रहा था ना, मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो मैं पूरे साल की बस एनुअल रिक्वायरमेंट बना रहा था, पूरे साल में इतने। लेकिन क्या ये हो सकता है कि हमने इस साल कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया जो अगले साल इस्तेमाल होने? ये भी तो हो सकता है, यकीनन रिक्वायरमेंट एनुअल जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल आपकी 12000 है, मैं एंड तक क्यों मार रहा था? हम अज्यूम कर रहे थे कि स्टॉक नहीं रखा हमने, लेकिन यहाँ बफर स्टॉक भी है, अनसर्टेनिटीज है, और नंबर टू जो बफर स्टॉक के अलावा जो बाकी ऑर्डर साइज होता है, ऑर्डर साइज का जो हाफ होता है वो भी तो पूरा साल पड़ा रहता है, पूरा साल उसकी बेस पे तो स्टॉक आता। नहीं नहीं, एवरी निकालते क्यों निकालते? क्योंकि होल्ड होना होता। नहीं नहीं, क्लोजिंग जीरो कब होगा? देखिए, अगर आप एग्जैक्टली उतना ही खरीदेंगे जितना आपको पूरे साल में जरूरत है, फिर तो जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या ये हो सकता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा इसलिए खरीद लें कि नेक्स्ट ईयर यूज होना? अब वरना तो आपका जो आंसर है, ये अपनी फिगर सॉल्व करें जरा, 500000 डिवाइड बाय 80 जो है, इसका आंसर आना चाहिए था 2000। अगर तो हमने सिर्फ बफर स्टॉक रखा होता तो आंसर पे 2000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आ रहा है? इसका मतलब हमने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खरीदा होगा तो स्टॉक में रखा होगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये जो 6250 इसमें 2000 तो है, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमने अपनी रिक्वायरमेंट से पिछले साल खरीदा ज्यादा होगा जो पिछले साल इस्तेमाल नहीं हो सका। एहतियात के तौर पर कितना रखा होगा, लेकिन उससे ज्यादा कितना और नजर आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? ये हमने खरीदा होगा लेकिन पिछले साल इस्तेमाल नहीं होने की वजह से अगले साल आएगा। अब ठीक है, मैं अगर इस एग्जैक्टली उतना खरीदूं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर क्या होगा? अगर हम एग्जैक्टली उतना खरीदें जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, फिर तो ये एंड में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट से इसलिए ज्यादा ले लें कि बाकी अगले साल इस्तेमाल हो जाएगा, तो फिर स्टॉक भी पड़ा हो सकता है इन एडिशन टू द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्यों रखा होगा? मेंटेन रखने के लिए। लेकिन अगर एक्स्ट्रा खरीद लिया है जो पिछले पीरियड में नहीं इस्तेमाल हो सका, तो वो भी स्टॉक में बचा हो सकता है। वो इसलिए नहीं कि हमने एहतियातन रखा हुआ, वो इसलिए कि अगले साल यूज हो जाना। अब क्लियर है मेरी बात? जी क्लियर हो गए? अभी है, बस बस दोबारा देख रहे हैं आप लोग, 500000 क्या है और 80 क्या है, दोबारा सोचे।
नहीं देख रहे, हमने 5 लाख डिवाइड बाई 80 किया, एक दफा दोबारा कर लेते हैं। 5 लाख और डिवाइड बाई 80, एक आंसर आ रहा है। इस आंसर का मीनिंग क्या है? ये जो खर्चा हुआ ये इतने यूनिट्स को रखने की वजह से खर्चा हुआ, तो असूलन तो रखे होने चाहिए थे 2000, लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ हमने इजाफी रखा हुआ है जो फिर नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बन जाए। नहीं, अगर ये 2000 ना बताया तो ये स्टॉक होता, फिर अगर सेफ्टी का जिक्र ना होता तो शायद हम अज्यूम करते कि सेफ्टी के अलावा अदरवाइज पड़ा जो मैं बता रहा हूँ। सेफ्टी स्टॉक तो तभी पता चलेगा अगर वो बताएगा, वरना सेफ्टी स्टॉक जरूरी नहीं कि रखा होता। नहीं सर, ये होल्डिंग कॉस्ट है क्या? आप ऑर्डर साइज लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, और अगर कोई बफर स्टॉक है तो उसे प्लस कर लेते हैं। इन यूनिट्स में फिर हमारी होल्डिंग कॉस्ट इंकर होनी होती है। होल्डिंग कॉस्ट के इंकर होने का मतलब ये है कि इन यूनिट्स को हमने होल्ड किया होगा, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट आ रही है। होल्ड का मीनिंग अब क्या है? ये स्टॉक में पड़े, अगर थ्रू आउट द ईयर स्टॉक में पड़े तो साल के एंड में फिर ये पड़े हैं तभी ओपनिंग बनेंगे। थ्रू आउट पड़े, अब थ्रू आउट का पड़ेगा मीनिंग क्या है? नहीं, एवरेज से पढ़े, लेकिन एवरेज पढ़े पढ़े होने का मीनिंग क्या है? पूरा साल में ऑन एवरेज पढ़े, ठीक है ना? यहां तक बात आपकी ठीक है। अब क्या हम अपने यूनिट्स को एग्जैक्टली उतना ही खरीद रहे हैं जितने हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम डिफरेंट खरीद रहे हैं? हो सकता है हम उतना ही खरीद रहे हो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, और हो सकता है हमने कुछ एक्स्ट्रा खरीद लिया जो अगले साल यूज होने। अब हमारा यहाँ से ये डेटा ये कहता है कि हमारे पास सेफ्टी स्टॉक 2000 है। सेफ्टी स्टॉक तो 2000 ही है, तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 करें, एक मिनट रख रहे हैं। 2000 मल्टीप्लाइड बाई 80 की आंसर क्या आएगा? नहीं, 1,60,000 आएगा। सारी कैलकुलेटर अलाउड है सर, 16 लाख प्लीज नहीं आना। 1,60,000, फिर इसका मतलब हमारी होल्डिंग कॉस्ट होनी चाहिए थी अगर सिर्फ सेफ्टी स्टॉक पड़ा, लेकिन एक्स्ट्रा यूनिट्स भी मेंटेन हुए हैं, वो हमें कैसे पता चल रहे हैं? 5 लाख से पता चल रहा है। तो हमारा 5 लाख का जो खर्चा है वो 80 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, तो यहाँ 650 यूनिट्स पड़े हुए। जी जी, अब ये भी हो सकता है ना कि हमने वो पिछले साल मींस ओपनिंग स्टॉक भी 6650 में डेफिनेटली पिछले लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का फैक्ट भी आ रहा होगा। हो सकता है लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक का फैक्ट भी आ रहा हो। तो चले आगे, अब सोच लो दोबारा, पूरे बर्क कर लेते हैं। बाकी लोग क्लियर है जी? क्या क्लियर है, क्या क्लियर है? किस साल के यूनिट्स हैं ये? ये स्टॉक का लेजर कंप्लीट करवाएं। 6250 में 2000 यूनिट्स हैं, तो 6250 नेक्स्ट ईयर के एंगल से क्या होगा? ब्रॉट डाउन, ठीक है? ये किस साल के यूनिट्स में, किस साल लिख रहा हूं? लास्ट ईयर के यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर लिखनी, क्वेश्चन के जरा वर्ड सही पढ़ना है। लास्ट ईयर से हम नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं, इसकी फिगर कैसे आई हुई ये सॉल्व कर लें। 5 लाख डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 6250। चले कैलकुलेटर पकड़े और आप सीडी निकाल के दिखाएं, पॉइंट नंबर 4 पढ़ के ये कंप्लीट करके ठीक है भाई। 5 मिनट नहीं, अभी ये वाली वर्किंग तो सही कर। पॉइंट नंबर 4 अप्लाई करें, क्लोजिंग ने बदलना है किसके साथ? सेल वॉल्यूम के साथ, लेकिन किसके बगैर, किसके अलावा? जी करें ये वर्किंग, आंसर बताएं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सिक्स टू जीरो माइनस कुछ करना है इसमें से? सर जी माइनस करना है सर, बफर स्टॉक माइनस करके मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ये 1.25 कहां से है? इससे तो सेल वॉल्यूम बढ़ना था, और क्लोजिंग स्टॉक ने भी किसके साथ वेरी करना है? सेल वॉल्यूम के साथ। प्लस यहां तक क्या आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक विच वेरीज इन लाइन विद द सेल एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक, तो प्लस करेंगे
2000 प्लस करें या 2500। नेक्स्ट मेरा पे ही देखें नेक्स्ट ईयर। अब सेफ्टी स्टॉक कितना रखने का प्लान है, सेफ्टी स्टॉक कितना रखने का प्लान है? अगर सेफ्टी स्टॉक सेम रहना होता तो फिर क्या करता, तो 2000 पहले माइनस क्यों किए, ताकि इंक्रीज का फैक्टर आ जाए। बाद में अगर 2000 ही होते तो प्लस कर लेते हैं, प्लस 2500 है तो रिवाइज अप ऐड हो जाएगा। समझ आ गया प्लीज? 7813 राउंड ऑफ कर लीजिएगा प्लीज जी। परचेजेस नाइन वन फाइव सिक्स थ्री। लेकिन इसमें फिर गेम है, ट्रांजिट लॉसेस वाली स्टोरी ढूंढना है। ट्रांजिट लॉसेस का मीनिंग बताएं, रस्ते में लॉस, ये फिगर आ गई सबकी। अब रस्ते में अगर लॉस है तो ये कौन सी परचेज है जो आप तक पहुंची होगी या जिसका आपने ऑर्डर किया होगा? 91563 आप तक पहुंचना चाहिए या इसका आपने ऑर्डर किया होगा? ये तो हमारे स्टॉक में आना चाहिए, तभी यूनिट सेल होकर रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। तो यहां से फिर एक और रिवर्स वर्किंग अभी होनी है। करें 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 मत, ये हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, लेकिन हमें परचेज कितनी करनी पड़ेगी? लॉसेस की परसेंटेज क्या है? लॉसेस की परसेंटेज सर जी वर्किंग क्या है? 91563 डिवाइड बाय 94 इनटू 100। नहीं, ये क्लियर है कि ये 91563 हमारे तक आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, लेकिन हमें ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? 97। हमें टोटल इस साल परचेज करने पड़ेंगे 97407, फिर ही हमारे पास 91563 यूनिट्स बचेंगे, क्योंकि 6% ने तो ट्रांजिट में लॉस हो जाना। ठीक है जी, क्लियर? अब करें वाइंड अप, अभी है एक लास्ट अप। सर जी लास्ट चैप रहता है सर 97407। ठीक है, तब लास्ट चैप क्या रहेगा, कौन कौन से फिगर लागू? ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, एनुअल डिमांड आ गई 97। यंग स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर दी 97407 जी, कैलकुलेट करें जी। सिंपल है ये फिगर, अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर मंथ अवेलेबल है, यहाँ से वर्किंग हो जाएगी। यानी मल्टीप्लाई बाय 12 भी होना है। एक चीज और भी ढूंढना है, तमाम कॉस्ट में, ऑल कॉस्ट में इन्फ्लेशन का फैक्टर आना है, लिखे कर लेना होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर आना। कंप्लीट करना है। लास्ट टाइम में से आंसर लिख पाता, मीटिंग ऑन। टू फाइव टू एट यूनिट्स है या केजीज है? किस चीज के यूनिट्स है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के यूनिट्स है। ठीक है जी, वर्किंग क्लियर? इस तरह कीजिएगा, सबसे पहले तो ये तीन क्वेश्चंस जो आज किए हमने इनको रिवाइज करें।
सबसे पहला होमवर्क ये रखना और देन सेकंड इस तरह कीजिएगा, दो तीन क्वेश्चन जरा ये रेलेवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग के छोटे छोटे रिवाइज कर दीजिएगा। है कुछ चीजें देने कल से इंशाल्लाह, फिर मैंने एक ही क्वेश्चन देना पिछले टॉपिक्स का दोबारा ताकि आपकी मेन टॉपिक्स की फिर रिवीजन शुरू हो जाए। तो आज जरा पेज नंबर 312 के छोटे छोटे क्वेश्चन था रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, ढूंढे जरा पेज नंबर 312। पेज नंबर 312 से लेके 317 तक ये चार पांच पेजेस पे दो तीन क्वेश्चन है कुछ में डिसीजन मेकिंग, अगर ना इस में है तो थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। लिमिटिंग फैक्टर, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वाला, तो पेज नंबर 312 से लेके 317 तक है, ये छोटे छोटे काम भी साथ साथ करें। वो कहाँ तक पहुंचे अब मार्जिनल अब्जॉर्प्शन वाले? चलिए ठीक है, फिर आज दें टाइम से 312 से 317। एबीसी चले एक आध दिन ठहर फिर उसका टेस्ट दे, आज कौन सा दिन आता है एक आध दिन बाद दे दीजिएगा उसको। सर ये नहीं समझ आ रही कि जब साल के शुरू के अंदर एवरी स्टॉक पे हमारे पास 6250 साल के शुरू में, मंथ के शुरू के अंदर ज्यादा होंगे और एंड के अंदर कम होंगे एवरेज तो सब होंगे स्टॉक में। वो आपकी बात ठीक है, एवरेज का मीनिंग क्या होता है? ओपनिंग ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यस सर, ये होता है ना। यस सर, तो अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए जो क्लोजिंग है वही ओपनिंग है, तो सर जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वही एवरेज आ जाएगा। अगर तो हमें ये पता चल जाए कि पिछले साल का ओपनिंग ये कुछ और था, क्लोजिंग कुछ और था। इस मंथ की मैं बात कर रहा हूं, नहीं ये तो मैंने अभी आपके सामने कहा कि अगर हम एक मंथ को बेस करना है या पूरे साल को बेस करना है yes. तो फिर सेम ही चीज आएगी। यस सर, वो तो आपने वर्किंग करनी है। यस सर, यकीनन पर मंथ डेटा भी बना नहीं। यस सर, लेकिन यहाँ से अगर हम चाहें तो पूरे साल की वर्किंग भी कर सकते हैं। yes. तो उससे तो आंसर सेम आएगा। यस सर, अब ये एवरेज है, यकीनन ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट होने की वजह से भी एवरेज आ सकता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हम यही अज्यूम कर सकते हैं कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो सेम होने की वजह से ही होती है। अनलेस हमें पता चल जाए पिछले साल ओपनिंग कुछ और था क्लोजिंग कुछ और, यही एवरेज अज्यूम किया कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इसकी इन्फॉर्मेशन है ना। ठीक है, क्लियर हो गया?